साथियों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे एसएससी जीडी का फॉर्म के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का बारे में मैंने बताया था, उस जिसमें दिखाया हुआ था कि एसएससी जीडी का फॉर्म 17 तारीख को आ जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने उसको फर्जी बताया था, बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, अभी जो चीज़ें मैंने बताया था वो सारी चीज़ें सही निकली हैं कि हमारा आज से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 1.5 महीने के लिए फॉर्म निकला हुआ, 1.5 महीने के अंदर इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें CRPF का NIA का पोस्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी देखिए नोटिफिकेशन जैसे आया है वैसे मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखिए, इस चीज़ को हमें फिलअप फॉर्म करना है। फॉर्म हमारा आज से फिलअप होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाया था ये देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। 17 से 31 अगस्त तक ये फॉर्म होगा, 31 अगस्त लास्ट डेट है। इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कोई फर्जी नहीं है, ठीक है। अभी काफ़ी भ्रांतियाँ थी कि फर्जी है, फॉर्म नहीं आने वाला है, लेकिन देखिए आपके सामने ये चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं जो मैंने बोला था जैसा। तो आप अब तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब मेरे को तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा देखिए मेन पर्पज़ यही था कि आप लोग तैयारी करिए। जो जो चीज़ें मैंने जैसे बताया था वो सारी चीज़ें वही एक्यूरेट वही आई हैं, थोड़ी सी भी कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ इस पर इंफॉर्मेशन जो है वो सटीक मिल रहा है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, सब लोग ये बोल रहे थे कि नहीं ये फॉर्म नहीं आएगा, फर्जी है, डिपार्टमेंट ऐसा कर ही नहीं सकता, CRPF में वैकेंसी क्यों नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए लोगों का अपना अपना सोचने का कहने का नज़रिया है, ठीक है। जो चीज़ें सही था वो चीज़ें आपके सामने आ गया। मेरे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, उसके नीचे मैंने ये चीज़ें बाकायदा उसमें बताया था कि फॉर्म हमारा 17 तारीख को हर हाल में आएगा, ठीक है। तो अब उसके ऊपर अब हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए हमारे पास जो पोस्ट है, जो मैंने पोस्ट बताया था आपको, ये देखिए BSF में पोस्ट है, CISF में है, और उसके बाद से CRPF में हमारा 0 पोस्ट है, SSB में है, उसके बाद ITBP में है, असम राइफल में NIM 0 पोस्ट है, और SSF में हमारे पोस्ट है। तो हमारे पास पोस्ट भी इस बार लिमिटेड रहेगा, कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा इसमें, तो हमें तैयारी काफ़ी अपनी अच्छी बना के रखनी होगी, ठीक है। तो हम आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन मेरा सही है तो उसी हिसाब से मैं तैयारी भी करवाऊँगा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला देखिए, अगले के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारा छूट आने वाला था। काफ़ी सारी भ्रांतियाँ इसको भी लेके थी कि डिपार्टमेंट छूट देगा, 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी छूट वूट नहीं मिल रहे हैं। SC ST का 5 साल था, OBC का 3 साल है, एक्स सर्विसमैन का 3 साल है। जो चीज़ें आपके सामने हैं ये वही करेक्ट हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे ये चीज़ें मैंने दिखाया है, आपने देखा होगा जब मैंने ओपन किया है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद से अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा, ये देखिए अगले टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला क्या दिया है इसमें, फिजिकल स्टैंडर्ड भी देख लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या मांगा है। अब देखिए NCC के बारे में कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि NCC का क्या सीन है। तो NCC का जो A सर्टिफिकेट है 2% का रिलैक्सेशन है, B पे 3% और C पे 5% का रिलैक्सेशन है, जो चीज़ें पहले भी था, अभी इसमें कुछ नया नहीं है, ये चीज़ें पहले भी थी वैसी ही। तो अब ये देखिए जो इसमें दिखा रहा है ना, फ़ोटो हमारा कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें दिखा रहा है ना, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, इनकी DPI क्या होनी चाहिए, कैसे फ़ोटो हमें अपलोड करना है, किस तरीके की फ़ोटो हमें डिपार्टमेंट ने मांगा है, इस सारे के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा। आप लोगों को अगर नीड होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, बाकायदा मैं बनाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसमें टोट कुल है ये 57 पेज का है ये, तो मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। वैसे इसमें इन्फॉर्मेशन तो सारी ज़रूरत की हैं, लेकिन जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम की है, जो सटीक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन मैं गलत दे रहा हूँ तो आप पढ़ सकते हैं, अगर कुछ भी अलग ऐसा आपको दिखे तो, अलग तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे, फ़ीस हमारा इसमें 100 रुपये का ही है। अब अगले की बात अब हम करते हैं, इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, तो सेंटर हमारा जो एग्ज़ामिनेशन का है जैसे पहले था वैसे अभी भी है।
तो जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कोई चेंजेस नहीं आया, पेपर हमारा ऑनलाइन होगा इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो इन सब चीज़ों में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस हमारा जो है 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन हैं और 25 नंबर के हैं, तो ये 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन। टाइम हमारा 90 मिनट दिया हुआ है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये जितनी भ्रांतियाँ थी सारी आज क्लियर हो गई हैं, आज मैं वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन सही लगता है तो आप इसको शेयर करिए, ताकि आप फ्रेंड सर्कल में भी सबको पता चल सके। लिमिटेड वैकेंसी है, फॉर्म आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सर्वर भी क्रैश होने का चांसेज इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि फॉर्म कम ही निकले हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हैं। आपको भी पता होगा कि हर बार से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार अपीयर होंगे, तो हमारा कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा। तो हमें उस हिसाब से हमें तैयारी चाहिए, फॉर्म हमें पहले अप्लाई कर लेना है और उसके बाद हमें अपनी तैयारी में जी जान लगा देना है। कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मांगेंगे तो बिल्कुल हम देंगे उस चीज़ का। अब देखिए यहाँ पे दिया है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो रीजनिंग का मैंने बाकायदा एक एक टॉपिक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर बाकायदा हमने बनाया हुआ है। अब जीके और जीएस अब हम देखते हैं, तो जीके और जीएस जो हमारा है 25 नंबर का क्वेश्चन इससे पुट करेगा, अब 25 नंबर का क्वेश्चन इससे पुट करेगा। इसमें जितने टॉपिक दिए हैं इन सारे टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चैनल के में जाके आप देख सकते हैं। तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, जो चीज़ें बना दिया गया है फुल एनालिसिस करके बनाया गया है, तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और अगला देखिए मैथ जो है, मैथ भी हमारा वही है, जो मैथ के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई, इसकी तो मैंने कई सारी वीडियो डाला भी है चैप्टर वाइज, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश है हमारा, तो हिंदी और इंग्लिश के ऊपर भी सेम स्टोरी है, इसके ऊपर भी वीडियो हमने डिटेल में बना रखा है। अब हम बात करेंगे PET और PST का, तो PET और PST में अगर हम देखते हैं तो PET में देखिए, जैसे अभी दिखा रहा है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल का है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ऑल कैंडिडेट अदर देन लॉग बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है। तो ये रिमार्क में ये दिया लद्दाख रीजन के लिए स्पेशल है कुछ, तो यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, 1600 मीटर है 8.5 मिनट में रेस हमारा जो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बारे में, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हमारा दिया है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो दिया है मेल का है 170, फीमेल का 157, तो ये सब चीज़ें आप हमें फिजिकल में भी हमारा कोई चेंजेस नहीं है आया है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब का थोड़ा सा छूट होता है फीमेल में और मेल में, दोनों में शेड्यूल ट्राइब के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, तो हमें उस चीज़ को नहीं देखना है, हमें अब अपनी तैयारी पे जी जान लगा देना है ताकि हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। हाँ भाई एक बात क्लियर है, अगर स्कोर अच्छा नहीं होगा तो फिर उम्मीद छोड़ देना लोग जॉब पाने की, क्योंकि इस बार कंपटीशन पिछले बार से ज़्यादा टफ रहेगा, और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हमें तैयारी अच्छा करके रखना। हम छूट मिल रहा है, हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, हम कहाँ से हैं कोई मैटर नहीं करता है चीज़ें, ठीक है। तो आप उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो तैयारी में हमें जी जान लगा देना है, पहले हम रिटेन की तैयारी करें, उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी हम खुद करवाएंगे, आपको बाकायदा वीडियो बना के हम एक एक स्टेप रनिंग के बताएंगे, कैसे एक्सरसाइज करना आपको, इन सारे चीज़ के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा, पूरा लाइव दिखाया जाएगा आपको कि हमें फिजिकल की तैयारी कैसी करनी। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगा हमारे पास से। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो पहली बार पहले जो था वही सेम है। जो अगर फर्स्ट स्टूडेंट अगर ऐसे होंगे जो इस बार फर्स्ट बार में अपीयर हो रहे होंगे, तो उन लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताएंगे, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा। देखिए आधार कार्ड है और वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, ये सब चीज़ें हैं, पासपोर्ट है, ID कार्ड है, इस यूनिवर्सिटी कॉलेज का ID कार्ड होगा, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉयर ID, अगर कोई प्रीवियस एक्स सर्विसमैन है तो उन सब चीज उसकी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पासिंग का यहाँ पे 35% है, NCC का मैंने बताया था NCC में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो ये हमारा बोल्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें तैयारी करना है इनके ऊपर में, डिपार्टमेंट जो आ रहे हैं हमारे पास में इस बार, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, तो इन सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ रही हैं। SSF में इस पर पोस्ट थोड़ा ज़्यादा आया है,
NIA में पोस्ट नहीं आया है, CRPF में पोस्ट नहीं आया है, तो इन दो डिपार्टमेंट में इस बार पोस्ट नहीं दिया है। पिछली बार हर एक डिपार्टमेंट में पोस्ट आया था, तो इस चीज़ों को आप लोग देखिए और तैयारी में अपना जी जान लगा दीजिए, ठीक है। टाइम ना ख़राब करते हुए तैयारी आप कर दीजिए। अब फॉर्म आ गया तो इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा, उसका भी अपडेट आपको प्रॉपर मिलेगा। और फॉर्म कैसे भरना है देखिए, फॉर्म के ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप लोग अभी देख लीजिए, अभी फॉर्म पहले तो आप देख लीजिए, SSC के साइट पे जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा बकायदा, उस चीज़ को पहले आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा है ना आपको, देखिए नोटिफिकेशन 17 तारीख का दिखा रहा है, यानी कि आज का नोटिफिकेशन है, तो ये चीज़ें इस पर दिखा रहा है। उसके बाद से लॉगिन करके भी मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊँगा कि कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही ये चीज़ें, लेकिन जो नए स्टूडेंट अपीयर होंगे इस साल जिन्होंने 10th पास किया है, 12th पास किया है, तो उन लोगों के लिए हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। भाई एक चीज़ क्लियर रखना आप लोग, क्योंकि इस बार अगर कुछ भी ऐसा हुआ कि फॉर्म में कोई कमी होगी या तो इस बार करेक्शन का चांसेस मिलने का बहुत ही कम चांस है। क्योंकि जब करेक्शन कब करवाया जाता है, जब कैंडिडेट कम होते हैं और हमारे पास में वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, तो करेक्शन करवाया जाता है कि भाई बंदे जितने हमारे पास में हैं इतने में से ही मेरे को लेना है। लेकिन यहाँ पे बंदों की कमी नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी की कमी है। वैकेंसी यहाँ पे 25,000 है, बंदे यहाँ पे 35 लाख अपीयर होंगे, 35-40 लाख से कम बंदे अपीयर नहीं होंगे। तो आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है, और इस पर आप केयरफुल हो जाइए, ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर। और आप जाके SSC के साइट से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं SSC.NIC.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं प्रॉपर। तो आप लोग अपने फॉर्म भरने में कोई भी गलती मत करिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर डिटेल बताया जाएगा। लेकिन गलती कुछ भी मत करिएगा, साइड अगर है, साइड में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर ऐसा होगा सर्वर क्रैश होगा, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि सर्वर कब चलेगा, कब फॉर्म हम डाल सकते हैं। ये सारा चीज़ का आपको ना एक एक पॉइंट के ऊपर आपको डिस्कस किया जाएगा, एक एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, रनिंग हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे ऊपर डिस्कस नहीं किया जाएगा। आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। आप लोग बस ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।